आपने पहली क्लास ली? Yes, sir. अच्छा ये बताइए, हमारी रिवॉल्विंग की क्लास थी? Yes, sir. अब रिवॉल्विंग किस किस का डन हुआ? मेरा हुआ. Yes, sir. किस किस का डन हुआ? Yes, sir. सबका डन हुआ? Yes, sir. ऐसा कोई बंदा जिसका डन नहीं हुआ हो? Yes, sir. सबके डन हुए? Yes, sir. हमारी बहुत प्रॉपर्टी हो चुकी है, अच्छे से बहुत आ गई, तो इन्हें किसान से करेंगे, वही देखेंगे कि हमारी आईसी बाहर आ गई है।
आप देखिए बहुत चेक कर सकते हैं। तो क्या बोलना चाहिए थोड़ा सा बताइए आप। मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि EMMC बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, सब प्रैक्टिस का खेल है। और थोड़ा सा हाथ और अपने पैरों को होल्ड करना पड़ता है, अपने पैर टेबल के नीचे होल्ड होने चाहिए और अपने ट्विज़र जो है वो EMMC के ये पत्ते के ऊपर स्टेंसिल्स के ऊपर होल्ड होना चाहिए ताकि हमारी EMMC हिले नहीं और वो प्रॉपर बन पाए। तो एक ही दिन में इतना नॉलेज और लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहे हो, ये सब कैसे संभव हो? ये तो सर आप हैं हमारे सर जो हमें इतना प्रैक्टिस कराया, अरे MD सर और देव सर जिन्होंने हमें इतने अच्छे से समझाया, थ्योरिकल नॉलेज साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी, सारे कंपोनेंट्स की जानकारी दी और आगे भी मैं चाहता हूँ सबको ऐसी जानकारी प्रदान करें। थैंक यू। राजवीर जी सर, आपने पहली क्लास ली? यस सर। अच्छा ये बताइए, हमारी रिवॉल्विंग की क्लास थी? यस सर। अब रिवॉल्विंग किस किस का डन हुआ? मेरा हुआ। किस किस का डन हुआ? यस सर। सबका डन हुआ? यस सर। ऐसा कोई बंदा जिसका डन नहीं हुआ हो? नहीं सर। सबके डन हुए? यस सर। चलिए सेकंड आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपको देव सर मिले? यस सर। पहली क्लास थी देव सर के साथ? यस सर। उनके साथ पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया सर। पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया सर। अच्छा नॉलेज की कोई कमी नहीं सर? ऐसा कि YouTube वाला नॉलेज मिला हो आपको? नहीं सर। इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना घर से आने के बाद YouTube वाला नॉलेज मिला क्या? नहीं सर। बताइए किसी तरीके का मिला? नहीं सर। अच्छा आपको जो कंपोनेंट का जो सही जानकारी थी वो क्या इससे पहले कभी थी क्या? नहीं सर। घर पे थी क्या? नहीं सर। या इसके पहले हम समझ पा रहे थे कंपोनेंट को? नहीं सर। अब ये बताइए कि प्रैक्टिकल क्लास में किस किस ने प्रैक्टिकल किया यहाँ पर? 100 out of 100? यस सर। कितनी बजे आते हैं मॉर्निंग में? 7 बजे सर। थोड़ा विश्वास कम हो रहा है यहाँ पर लोगों को। नहीं सर, 7 बजे आए थे। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 9 बज गए। तो हम पूरा टास्क खत्म करके बैठे हैं ना यहाँ पर? यस सर। कि मतलब आप मतलब आधा अधूरा रह गया और हम उठ गए यहाँ पर? नहीं सर, टास्क पूरा खत्म किया ना, उसके बाद उठे ना हम? यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले मेरे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए। सोनू जौनपुरी। सोनू ये बताइए कि मैं आपसे खाली 3 चीज़ पूछूंगा, आज आपकी क्लास जो आपने क्लास सवेरे ली है, क्या इसके पहले आपको ये काम जानते थे? नहीं सर। आपने जो रिवॉल्विंग की है वो डन की है? यस। अच्छा तीसरी चीज़ ये पूछूंगा, कंपोनेंट का क्या इसके पहले इतना नॉलेज था आपको? नहीं सर। अभी क्या नॉलेज है? अभी नॉलेज। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इधर आ जाइए। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, दुर्गेश नाम है मेरा, जालना महाराष्ट्र से हूँ मैं। दुर्गेश मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी बताइए। सर इसके पहले मैंने कभी कंपोनेंट पे काम कोई भी मोबाइल का आईसी लेवल पे काम नहीं किया। अच्छा। ना ही कभी मैंने कोई ट्रैक चेक किया। ओके। आज के दिन मुझे पूरा सिखाया गया सुबह से शाम तक कि मोबाइल को कैसे चेक किया जाता है, कंपोनेंट पे कैसे काम किया जाता है। तो अभी सारी स्किल्स हम डन है? डन है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम दीपक यादव है, मैं छत्तीसगढ़ जिला हूँ। तो दीपक ये बताइए मुझे, क्या आज के पहले कभी जो आज आपको नॉलेज मिला है, पहला दिन था आपका क्लास में? जी सर। क्या आज से पहले कभी आपने स्टेंसिल को छुआ था क्या? जी नहीं सर, इससे पहले तो और कभी नहीं छुआ था, आज तो रिवॉल्विंग किया। अच्छा डन हुआ है आपसे? यस सर। अच्छा विदाउट मतलब कोई टीचर ने आके पकड़ के तो नहीं करवाया ना, कि आपने आपके मन से करा? आपने अपने मन से किया। सेकंड टाइम आप ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो कंपोनेंट की क्लास थी वो पूरी कंपोनेंट की क्लास आपकी डन हुई कि नहीं हुई? हुआ है सर, डन। जो कंपोनेंट 1 की क्लास थी पूरी डन है बाय थ्योरिकली की प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सामने, तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम साजिद खान है। जी साजिद बताइए। मैं बरेली से हूँ। ओके। रिवॉल्विंग क्लास थी, कुछ कंपोनेंट्स की क्लास थी। हाँ डन हुई, इससे पहले मैंने कभी
ऐसे पेपर नहीं किया था। ओके आज पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा और पूरी तरीके से डन हुआ, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आई। ओके यहाँ टीचर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बंटी गोस्वामी जी। आज रिपोलिंग हुआ है EMC का, बड़ी बढ़िया कलेक्शन हुआ है और मुरली सर जी था प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में दोनों भी दिखाया, बहुत बढ़िया था। ऐसे ड्रामा धन्यवाद, ऐसे पहली बार कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको? किसी प्रकार की दिक्कत है, एकदम पूरा सक्सेस है, वेल डन। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। सर आज MMC का रिपोलिंग पहली बार किया हूँ। ओके बहुत अच्छा लग रहा है। ओके पहली बार ऐसे काम कर रहा हूँ सर। कंपोनेंट का बहुत अच्छा से नॉलेज दिया है। ओके 5 मिनट में कोई भी कंपोनेंट पहचान लूँगा। ओके रजिस्टर उसका लो वैल्यू हाई वैल्यू पहचान। चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम है सौरभ दास। ओके बंगाल से हूँ। ओके सौरभ बताइए। सर आज पहली बार अपनी जिंदगी की पहली बार मैंने ऐसी रिवॉल्विंग की है। अच्छा। मुझे बहुत मज़ा आया और सर रजिस्टर और सर कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली और प्रैक्टिकल जी। सर देव सर ने बहुत अच्छा क्लास दिया और आपने भी सर बहुत मज़ा आया। हाँ सर, तो अपन जब अगर अभी घर जा रहे हैं हम, अगर हम सवेरे 7 बजे से क्लास में बैठे हैं और रात के 9 बजे घर जा रहे हैं, है ना, तो 7 से 7 कितनी 12 और 2 14 घंटे की क्लास करके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ डाउट लेके जा रहे हैं क्या? नहीं सर, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ऑल द बेस्ट। यस सर। ऑल क्लास आपकी ऐसी जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट वन माय स्टूडेंट, थोड़ा इनको जगह दीजिए, सेंटर दीजिए। हाँ आप खड़े रहिए, भले सामने साइड में खड़े रहिए। मेरा नाम राहुल गुनोर है, महाराष्ट्र पुणे से हूँ। ओके मेरे को बेसिक कंपोनेंट पे जानकारी नहीं थी, SMD माइक्रोस्कोप। ओके ओके हॉट गन कसर कैसा पकड़ना। ओके मतलब बेसिक से पूरा नॉलेज मिला आज, और कंपोनेंट के रजिस्टर कैपेसिटर ये कुछ जानकारी मिली। ओके बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। ओके तो अभी कंपोनेंट की कोई अगर समस्या होगी तो कोई रहेगी क्या? नहीं। तो बाय थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली सारा क्लियर हुआ हमारा? सारा क्लियर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, हो चुके हैं आपका। चलिए आ जाइए, एक और स्टूडेंट है हमारे साथ वेस्ट बंगाल के, प्लीज नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम अजीज खंडेकर है जी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी। अजीज ये बताइए मेरे को कि एशिया टेलीकॉम में आज से पहले कभी IC लेवल पे काम किया था आपने? नहीं सर, IC लेवल पे काम नहीं किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और देव सर का जो मैं थियोरी क्लास किया हूँ उसका सब प्रैक्टिकल भी किया हूँ, तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और MD सर को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को काफ़ी कॉम्पोनेंट के बारे में अच्छा जानकारी दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आ जाइए, आते हैं प्लीज आइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मेरा नाम सलमान है, मेरठ से हूँ। ओके जी। पहले मैं रिबोलिंग तो कर लेता था पर मुझे कंपोनेंट की इतनी जानकारी नहीं थी। ओके तो रिबोलिंग में हमको नई चीज़ें मिली है? रिबोलिंग में हैंड स्किल को और अपडेट हुआ है। तुमसे नॉलेज मिली है। ओके कैसे उतारना है उसको, कैसे लगाना है। ओके कैसे उसको साफ करना है। ओके ओके और कंपोनेंट के बारे में जानकारी इतनी नहीं थी कि कैपेसिटर क्या काम करता है, वोल्टेज को क्लियर करता तो है। तो अब ये बताइए मुझे कि अगर हमारे पास अगर स्टूडेंट आता है तो ये मान के चलिए कोई खाली हाथ जाएगा क्या? नहीं सर। पहला दिन का आउटपुट कैसा है क्लास का? बेस्ट आउटपुट। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो थोड़ा दो तीन चार जने आते जाओ इधर। चलिए मेरा नाम ओंकार राजेकर है जी। ओंकार कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? भाई महाराष्ट्र से बहुत लोग देख रहे हैं आपको, थोड़ा आते ही। हाँ महाराष्ट्र से बहुत लोग देख रहे हैं आपको। यस सर। तो महाराष्ट्र से नासिक से हैं? नासिक से हैं महाराष्ट्र से आप। तो आज आपका पहला दिन था क्या? आज से पहले कभी ICU पे काम किया था आपने? नहीं सर। रिबोलिंग किया था? नहीं सर। आपने डन किया है रिबोलिंग? यस सर। मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, रिबोलिंग के मैं आज। अच्छा दूसरी बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ इसके बाद देव सर के साथ क्लास थी आपकी कंपोनेंट की? यस सर। तो कंपोनेंट का क्लास का टाइप कैसा रहा सर के साथ? बहुत अच्छा था उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी बताया था। ओके प्रैक्टिकल करके बताया क्योंकि प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हमारी ज़्यादा दिमाग में आती है। ओके सर। तो अभी हमारा कंपोनेंट वन की क्लास का पूरा डाउट क्लियर है हमारा? यस सर। अगर मैं बोलूँ आपसे कि थर्मिस्टर ढूंढ के बताना है तो बता सकते हैं आप? यस सर। किसी भी रजिस्टर का वैल्यू निकाल के बता सकते हैं? यस सर। वो लो वैल्यू हो चाहे हाई वैल्यू हो। यस। कैपेसिटर बहुत सारे टाइप के आते हैं। यस। तो हमने आईफोन तक के कैपेसिटर चेक किए ना यहाँ पर? यस सर। हमने आईफोन के भी कैपेसिटर चेक किए ना यहाँ पर? यस सर। तो रिजल्ट मिला हमको? मिला सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तो एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, नाम बता दीजिए अपना। हरिदास चौहान है जी, अयोध्या से। ओके, तो हरिदास ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, तो बताइए आपका क्लास कैसा रहा पहला दिन? मज़ेदार में, मतलब क्या बताना चाहेंगे आप? सर रिवॉल्विंग सीखे जो है। ओके, और कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली जो है। ओके, रजिस्टर। ओके, ओके, और देव सर के साथ जो है जी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। थोड़ी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, तो सारा काम प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं कि थ्योरी पढ़ा के और कॉपी भर के घर पहुँचा रहे हैं आपको? प्रैक्टिकल होता है, पूरा प्रैक्टिकल। अभी किसी प्रकार का कंपोनेंट वन में किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नो डाउट। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो तीन हज़ार, चलो अंदर आती है। चलिए मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। सावन जी मांगे। तो सावन, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, बताइए मुझे। सर आज उससे पहले मैं कभी स्टेंसिल और रिबॉलिंग तो नहीं किया था एमएमसी का। अच्छा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, और फर्स्ट टाइम में ही मैं रिबॉलिंग अच्छे से कर सकता हूँ। डन हुआ हमारा जो। हाँ चलिए। और कैपेसिटर का नॉलेज तो नहीं था मेरे को। हाँ, आज जयदेव सर कर रहे थे, नॉलेज अच्छे तरीके से दिए। ओके, और अच्छे तरीके से बताएँ कि मतलब सरल तरीका से जो कि ओके अपन आगे आप काम आएगा अपने। ओके, तो अभी ये बताइए मुझे कि क्लास हमारा जो पहला दिन का था, वो पहला दिन का क्लास कैसा है हमारा? सब पढ़ाने का तरीका कैसा है, यहाँ टीच करने का तरीका क्या है? देखो ना, आपको देख रहे हैं और झारखंड से कोई स्टूडेंट अगर आना चाहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? वो जरूर है स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट दिन का ही क्लास मतलब इतना अच्छा था कि मैं सोचा ही नहीं था कि इस टाइप से क्लास हो पाएगा करके। ओके, फर्स्ट दिन ही मैं रिवॉल्व करना सीख गया। ओके, और आगे और बहुत सारी चीज सीख समझे सब उम्मीद है मेरे को। चलिए ऑल द बेस्ट। तो मेरे साथ वही छत्तीसगढ़ के एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से हूँ। ओके, इंस्टीट्यूट में पहला दिन, और पहला दिन ही बहुत अच्छा गया मेरा। ओके, मेरे को स्टेंसिल से रिबॉलिंग करना नहीं आता था, वो एक ही दिन में सीख गया मैं। ओके, एमसी को, और प्लस कंपोनेंट की जानकारी नहीं थी मुझे। ओके, तो आ गई आसानी से। आसानी से आ गई, तो सारा काम अपन प्रैक्टिकली किया। पूरा प्रैक्टिकल है सर, पूरा प्रैक्टिकल है, 100 out of 100 प्रैक्टिकल। 100 से 200% 200%। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बता दीजिए, आप कहाँ से? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी। नाम देवज्योति गिरी है। ओके सर, आज आईसी और आईसी रिबॉलिंग और कंपोनेंट का क्लास था। ओके, जो मेरा फुल्ली डन हुआ। ओके, यहाँ का सब टीचर बहुत हेल्पफुल है और बहुत सपोर्टिव है। ओके, जो मेरा आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, सब डन हुआ अच्छी तरीके से, ठीक है, मतलब फीडबैक अच्छे से मिला। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आते हैं, वापस आ जाइए, क्लब हो जाइए साथ। मेरा नाम सौरभ सोनी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और मैंने आज आईसी रिबॉलिंग करना सीखा। ओके, मिनिमम 5 से 6 टाइम मैंने आईसी को रिबॉल किया, इससे मुझे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। ओके, दूसरी बात यहाँ पर कंपोनेंट का नॉलेज ही अच्छा मिला। ओके, कैपेसिटर के बारे में जानकारी, रजिस्टर के बारे में जानकारी। ओके, और भी कई प्रकार की ऐसी जानकारी जो मतलब और कहीं से नहीं मिल पाए मुझे। ओके, काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो मुझे आज मिल पाया। ओके, देव सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, कौन है बाकी बच्चे? वह सब इधर आ जाओ भाई। मेरा नाम सुमित है, महाराष्ट्र से हूँ। जो बाकी बच्चे जी, तो सुमित ये बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज आपका पहला दिन, बहुत दूर से आए हो, चाहते तो मुंबई जा सकते थे, पुणे में भी इंस्टीट्यूट है, तो पूना छोड़ के जबलपुर शहर में कैसे आप? सर मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े थे सब, और जो आपने ऐसा यानी छुपाया नहीं था कुछ भी। ओके, यानी आपने जो पहली बैच थी उनका नंबर वगैरह सब दिया था। ओके, तो उन्होंने भी मुझे पॉजिटिवली सब ये किया। ओके, सपोर्ट किया और अच्छा है बताया उन्होंने, और आ जाने के बाद लग रहा है बहुत बढ़िया है। अच्छा, और आपने एक डर खत्म कर दिया हमारा। ओके, क्योंकि आज ये आप यूट्यूब पे भी ले रहे ना, थोड़ा हम डर रहे थोड़ा। हाँ, अच्छा, आज बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम कुछ सभी कर रहे हैं उसमें। हाँ, यानी सभी बच्चे डर रहे थे पहले। अच्छा, आज बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि एक डर खत्म हो जाएगा। तो एशिया टेलीकॉम का यूजर फ्रेंडली माहौल है कि नहीं? बढ़िया सर, बहुत यूजर फ्रेंडली है कि नहीं? जो देव सर है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है देव सर का, वो किस लेवल का और उनकी पढ़ाई किस लेवल की है? आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए जिनका आनर यहाँ पर, यहाँ का बेस्ट टीचर है वो। बहुत बढ़िया है सर, पहले दिन ही आपने डर खत्म कर दिया हमारा कि इसमें क्या स्टेंसिल वगैरह कैसा यूज करना है, क्या करना है, वो यानी आईसी रिबॉलिंग कैसा करना है, पहले ही दिन ही डर खत्म हो गया। ओके, आपके भी सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। Okay, देव सर का भी बहुत ही बढ़िया है जी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए आते ही बाकी आ जाओ सर। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बता दीजिए। आते हो। ओके, मैं एमपी से हूँ। ओके, आज हमारा
आईसी रिवॉल्विंग का दिन था ओके पहला दिन था आज ये कंपोनेंट वगैरह की जानकारी दी है सेंटर रेजिस्टेंस डायट वगैरह की ओके अच्छा लगा अच्छा ये बताइए मेरे को कि आज से पहले कभी रिकॉलिंग करी थी आपने नहीं सर अभी स्टेंसिल को छुआ था आपने नहीं सर अच्छा काम डन हुआ आपका जी आपसे डन हुआ कि नहीं हुआ जी. दूसरी बात ये पूरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे डन नहीं हुआ हो सभी से डन हुआ कॉन्फिडेंस के तौर के पे सभी से डन हुआ चलिए और अभी कंपोनेंट की अब नज़रिया कैसा है मदरबोर्ड में कंपोनेंट को देखने का एक बार में पहचान जाएंगे अगर थर्मिस्टर आता तो ढूंढ लेंगे हम किसी भी बोर्ड में पूरा डायग्राम खोलना पड़ेगा क्या जरूरत नहीं पड़ेगी पक्का जी बस चलिए ठीक है थैंक यू आइए तो हमारे साथ चलो सर मेरा नाम मुजाहिद आलम है मैं बिहार से हूँ और एशिया टेलीकॉम में आके बहुत अच्छा लगा काम करने का जी इससे पहले मैं आई सी रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था न कभी देखा था कैसे ओके, होता है मगर यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा ओके, और एक बार में आई सी रिपोर्ट डन हो गया ओके ओके देव सर के साथ आपको जो कंपोनेंट वन की क्लास मिली उसका नॉलेज कैसा था अच्छा लगा सर प्रैक्टिकल भी था थ्योरी भी था दोनों था अच्छा okay. लगा सर ओके okay. उसके बाद सारा प्रैक्टिकल था हमारे पास हम 3 बजे से अभी रात के 9 बजे तक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं 6 घंटे से क्लास चल रही है और 3 से 4 घंटे की क्लास हमारी मॉर्निंग में भी थी है ना 7 से 10 बजे तक की 3 घंटे और 6 घंटे 6-3 9 घंटे पढ़े हमने 9 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल किया हमने और बाकी टाइम हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल था इससे पहले सर मेरा हैंड स्किल बिल्कुल कमजोर था ओके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हैंड स्किल थोड़ा मजबूत हो गया चिल्लाने वाली बात है क्या बाकी में है या नहीं है कौन कौन आउटपुट लेके जा रहा है कौन कौन काम करने वाला है अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर ये आपसे वादा है अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गारंटी वर्क 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी यहाँ हॉस्टल में